एक्साइटेड था पूरे सर आत्मसात किया गया है। योगा एक कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। यह शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए व्यवहारिक तरीके प्रदान किया है जिसमें गहन ज्ञान संभव है। अब मेरे तो सीमा की कुछ योगा आसनाए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पहले आसन उत्तान एक शीर्षासन। इस आसन करने पर हमें हृदय संबंधित रोगों से मुक्त होता है। यह आसन कठिन है लेकिन इसे सीखने से हमारा शरीर और दिमाग स्वस्थ रहता है। चलिए हम यह आसन देखते हैं। मैं जो जानता हूँ वो तुम्हारा भगवान नहीं जानता। इस दुनिया का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस पंछी को पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इस पंछी को? पीटर। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, पत्रकार, कोई मेरे बिना रह नहीं सकता। मैं हूँ इंस्टाग्राम। मैंने युवाओं को पागल कर रखा है। क्या कर रखा है? पागल कर रखा है। तो देख लिया आपने, अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी कायनात हमारी मुट्ठी में होगी। चलो सर
बताती हूँ। ये क्या पागलपन है बेटा, पूरे दिन फोन 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 पे लगी रहती हो। माँ आप क्या जानो, इस फोन की वजह से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। ये मोबाइल ही जादू की खिड़की है। खिड़की क्यों मेरी बेटी के पीछे हाथ धोखे पड़ी रहती हो? नया जमाना है, नए दौर की लड़की है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। धन्यवाद पिताजी। अरे मेरे दोस्तों का ऑनलाइन आने का टाइम हो गया है। नहीं, मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली है, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। नहीं, कौन हो तुम? जा यहां से। नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं है, तुम सो जाओ। जा यहाँ से, तुम फिर आ गए। जा यहाँ से। नहीं नहीं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? और आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहे हैं? जाकर डॉक्टर को फोन लगाइए। हेलो डॉक्टर, मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, आप जल्दी से घर आ जाइए। आइए डॉक्टर, आइए। देखिए, घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने के कारण इसकी यह हालत हुई है। इसे आपकी जरूरत है, आपके अपनेपन की जरूरत है, इसीलिए आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय इसे दे और इसे प्रेरित करें कि अपने दोस्तों के साथ रहे, खेले, तो जल्दी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर। लघु नाटक के माध्यम से आप सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय अपने परिवार के साथ व्यतीत करें और सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम करें। धन्यवाद। The children prepared very well and presented it. Give them a big round of applause.